फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पिंकी एस भारती व्लॉग्स एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। आज ये साल का पहला दिन और ये साल की पहली किरणें। मेरी कौन सी है, ठंडी हो जाती है चाय के साथ, हो जाए बार बार। मैं यहाँ तैयार हो गई थी क्योंकि आज थी कोचिंग के बच्चों की हैप्पी न्यू ईयर पार्टी। कौन सी चीज है जो लड़की का नाम भी है और लड़की का श्रृंगार भी है? काजल, पायल। सही बोला, काजल और पायल दोनों भी हो गया। हाँ, चलो सही है। हाँ। ऐसी कौन सी जगह है, सड़क है लेकिन गाड़ी नहीं, जंगल है लेकिन पेड़ नहीं, शहर है लेकिन मकान नहीं? बता। मैं भी इसका पूरी चीट करी है मेरी। मैं लिख रहा हूं तो देख के दिखाई। हां तुम मत, तुम मत। नक्शा। नेक्स्ट। वो कौन है जो कितना भी बूढ़ा हो जाए पर फिर भी वो जवान ही रहता है? बता। देश का जवान। कागज नहीं, कलम नहीं, बताओ क्या है मेरा नाम? बता। वापस बोल, मैंने सुना। पढ़ने में, लिखने में, दोनों में आता है काम। हाँ सही बोला। ये बोला तो मैंने सुना ही नहीं था। हाँ बोलो। ऐसी कौन सी चीज है जो पानी पीते ही मर जाती है? प्यास। पानी पीते ही मर जाती है, प्यास मर जाती है। फल है जिसे बिना धोए खा सकते हैं? दीदी इसको हटा दो पीछे। ऐसा कौन सा फल है जिसे बिना धोए खा सकते हैं? मेहनत का फल। केला, ना केला। वो दीदी ने बोला मेहनत का फल। एक आदमी था, वो बारिश में भीगते भीगते जा रहा था, वो पूरा भीग गया पर उसके बाल क्यों नहीं भीगे? उसके बाल ही नहीं थे। उठाना नहीं चौक को, है ना, बिल्कुल मत उठाना। और ये बलून, चलो नाच। तो फ्रेंड्स, हम जा रहे हैं पातालपानी। एकदम से हमारा प्लान बना तो हम अभी निकल गए हैं। पहुंच गए थे और इनको मिल गए थे जो आगे गाड़ी है, इनके साथ हमको आगे जाना था। पर उससे पहले मुझे डालना था पेट्रोल, और पेट्रोल में मुझे इतनी मगजमारी हो गई मैं मऊ जाके भी पातालपानी नहीं जा पाई। तो आप देख लीजिए पेट्रोल के लिए यहाँ पे कितनी भीड़ है, यहाँ तो मेरा नंबर लगना मुश्किल ही था। इसलिए हम वापस चले गए दूसरे पेट्रोल पम्प पे, और वहाँ पे भी उतनी भीड़ थी तो मुझे मजबूरन वहाँ रुकना ही पड़ा क्योंकि पेट्रोल तो भरना जरूरी था। आखिरकार मैंने, और यहाँ पे मुझे एक इंसान मिले थे, उन्होंने मेरी हेल्प करी तो मुझे मिल गया था। और सब लोग तैयार हो गए थे क्योंकि शाम को जाना था डिनर करने, सब मोहल्ले वाले सब लोग जा रहे थे तो उनके साथ हम मिलके वही।
यहाँ पे सब वेट कर रहे थे कि सब लोग आ जाए और सब साथ में निकलेंगे करके, तो हम सब बाहर खड़े थे। यहाँ हम पहुंच गए थे माँ वैष्णो देवी होटल। यहाँ हो गया तो सबका खाना निकल रहे थे, और मैं आपको कहना चाहती हूँ हैप्पी न्यू ईयर, आपका नया साल बहुत अच्छे से जाए। और प्लीज़ उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा, तो पसंद आया तो आप मेरे व्लॉग को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। और इसी के साथ आज के व्लॉग का मैं एंड करती हूँ। थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी न्यू ईयर।